मेरी बिटिया रानी कभी मायूस मत होना, आपके मम्मी पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान है भी। हेलो एवरीवन, मैं आराध्या, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कहो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही खास है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे यहाँ निमंत्रण है, तो यहाँ पे पानी पूरी बट रहा है और इसके बाद जो है बर्थडे की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो भैया आए हैं, बैलून वगैरह सब कुछ फुला रहे हैं, अपनी मशीन लेके आ रहे हैं। मशीन से होता है ना, फटाफट जो है चाहे जितने बैलून हो आप फुला सकते हो, और हाथ मुँह से फुलाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो है भैया ने सोचा कि चलो इनको बुला लेते हैं, जल्दी से फटाफट काम भी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो पर, लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारी बिटिया रानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राण भी जो है खेल रही हैं बैलून के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो बैलून का कलर है मुझे बहुत ही पसंद आया है, रंग बिरंगा कुछ भी नहीं है, दो ही कलर मिक्स किया जा रहा है, एक पिंक है दूसरा जो है वाइट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जानवी जो है प्राणवी को उठाने की कोशिश कर रही है, मैं उसको मना कर रही हूँ, बेटा अभी तुम खुद ही बच्ची हो, उसको क्यों उठा रही हो, अभी लेके गिर जाओगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे हमारे मज़े से खेल रहे हैं, और हम भी जो है सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकी याद के लिए। जब ये बड़े हो जाएंगे, जब मेरा ब्लॉग देखेंगे, तो इनको पता चलेगा कि हम बचपन में इसी तरह खेल रहे थे मामी के रूम में। तो यहाँ पे जो है प्रत्युष सब है, और प्राणवीर जानवीर सभी लोग हैं, यानी चारों बच्चे हैं। तो आपस में सब लोग खेल रहे हैं और हम खड़े हैं, ऐसा ना हो कि खेलते खेलते मारपीट हो जाए, तो इसलिए हम जो है इनके पास ही हैं, कहीं दूर नहीं है। हम खुद ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी से करवा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे मेरा तो जो है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितना हो सकेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं जानवी के बर्थडे में। तो दोस्तों, ये 4 पार्ट है, यानी जानवी का बर्थडे का 4 पार्ट है, हाँ 4 ही होगा। आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा कि नहीं, नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं, हमारे वीडियो हमारे चैनल पे आइए और सर्च करिएगा तो आपको हमारा पार्ट जानवी बर्थडे पार्ट 2 ऐसा करके, पार्ट 3 ऐसा करके आप जो है पिछला वाला ब्लॉग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राण भी जो है गुब्बारे के बीच में लेटी हुई है और खूब मज़े से खेल रही है, ठहाके मार मार के हंस भी रही है। बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, आप लोग देखते ही होंगे कि हमारे ब्लॉग में मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को साथ में लेके आती हूँ, और अच्छा भी लगता है इन लोगों के साथ, एंजॉय भी मैं खूब ज़्यादा करती हूँ, जैसा लगता है कि मेरा बचपना लौट आया है। इन लोग के साथ हम बहुत मस्ती करते हैं, उतना हम बड़ों के साथ नहीं करते जितना हमें बच्चों से लगाव होता है, हम बच्चों के साथ ज़्यादा ही उछल कूद मचाते हैं। उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन बचपना पता नहीं मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है देखने वालों को बुरा भी लगे, लेकिन हाँ मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो हम बच्चों के साथ जो है खेलते भी हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलून भैया ने सारे फुला दिए हैं, बस इसको जो है अपसेट करना बाकी है, तो हाल में लेके चलेंगे वहीं पे जो है, हाल नहीं बरामदे में लेके आए भैया आएंगे, तो वहीं पर जो है सजावट की सारी तैयारियाँ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैसे अच्छा लग रहा है ना, हाँ, वाइट और पिंक एकदम सिंपल सा रहेगा, लुक बहुत अच्छा आ रहा है गुब्बारे का, ये देखो सही बहुत बढ़िया लग रहा है ना। मम्मी ए लाके दो जल्दी, सब दे दो भैया को, इन्हीं को दे दो, इन्हीं को, हाँ ये मैं अपने रूम में रख लेना।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बर्थडे की डेकोरेशन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे भैया बरामदे में, हमारे यहाँ उसारा भी बोलते हैं, बरामदा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है सजावट होगी, यहीं पे जानवी हमारी केक कटिंग करेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। जितना आप रंग बिरंगा मिला के जो है गुब्बारे लगाते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा यही अच्छा लग रहा है, लुक बड़ा अच्छा आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे भैया जो है फटाफट जो है सजावट कर दी है, बहुत ज़्यादा हैवी सजावट नहीं है, सिंपल है, सिंपल है, लेकिन फिर भी डेकोरेशन अच्छा किए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग जो है खाना खाने आ चुके हैं, सब खाते खा रहे हैं, क्योंकि बफर का सिस्टम है तो वो लोग जो है खाना खा के अपना चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा भय तैयार हो गया है, मैंने बोला कि बेटा अब तुम तैयार हो गए, थोड़ा सा क्लिप निकलवा लो, तो उनके पापा आ गए थे, बोले कि चल बेटा मेरे साथ बाहर चलते हैं। तो ये दोनों जा रहे हैं, इसके बाद जानवी का भी तो नंबर आएगा जिसका बर्थडे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ लगाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ जो है थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं, थोड़ा सा जो है पाउडर लगाते हैं, फिर हल्का सा लिपस्टिक लगाते हैं। वो भी अभी बोलता है कि इतना छोटा सा है, लेकिन वो बोलते हैं मम्मी दीदी को लिपस्टिक मत लगाया करो, आप लिपस्टिक क्यों लगा देती हो दीदी को, अच्छा नहीं लगता। जो कि इतना छोटा है लेकिन अभी से ही जो है शासन लगाना शुरू कर दिया है कि मेरी बहन के ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा। तो वो बैठा है और बोला कि मम्मी आज के बाद जो है दीदी को ना लिपस्टिक मत लगाना। मैंने कहा ठीक है बेटा, आज उसका बर्थडे है इसीलिए थोड़ा सा लगा दिया, अब नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरती की थाल जो है तैयार हो गई है। तो और इसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं बरामदे में, यहाँ पे केक आ गया था। और हमारी बिटिया रानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। इट जो ड्रेस है इनकी बुआ लेके आई हैं, तो काफ़ी खूबसूरत सा ड्रेस है और कलर भी बड़ा प्यारा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुआ भतीजी जो है पिक्चर यानी फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो हमने भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से जो है लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे जानवी। तो केक बताइए कैसा लग रहा है, केक तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, डबल गुड्डा बैठाया गया है, क्योंकि अभी कभी इसी तरह से आया हुआ था, उसके वाले में भी गुड्डा था। तो जानवी बोली मेरा भी गुड्डे वाला केक चाहिए, तो इसीलिए जो है इनके पापा ने बोला कि ठीक है मैं बनवा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग जो है हमारे घर के एकत्रित हो गए हैं और थोड़ी ही देर में केक कटने की बारी हो जाएगी। तो इनकी बुआ जो है अब जो है जानवी का तिलक करेंगी, आरती उतारेंगी, जो कि बुआ का फर्ज होता है। जो तिलक करती हैं आरती उतारती हैं उसी में जो है बुआ का प्यार रहता है, आशीर्वाद रहता है, हमारे यहाँ का यही मान्यता है, बुआ ही करती हैं। इसके बाद जितने भी बड़े लोग हैं सब लोग जो है बिटिया रानी को तिलक करेंगे, आशीर्वाद देंगे, आरती उतारेंगे, यानी सबका जो है आशीर्वाद हमारी बिटिया को लगना चाहिए। हो सकता है किसी न किसी का तो दुआ लग ही जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि दुआ बददुआ दोनों लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर किसी का जो है आशीर्वाद हमारी बिटिया रानी के सिर पे रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने भी जो है जानवी का तिलक उलक किया, उसके बाद जानवी की आरती उतारी, इसके बाद इनकी जो है चाची यानी हमारी सास हैं उन्होंने किया, मतलब सभी बारी बारी से जानवी को आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं अपनी चाचों के साथ कुछ अभी बातें कर रहा है। और यहाँ पे हमारे तीनों बच्चे आ गए हैं, अभी एक बच्ची तो बहुत छोटी है, वो हमेशा गोदी में ही रहती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तो भी उछल कूद मचाएगी, लेकिन अभी तो तीन ही नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बस केक कटने की बारी है, और यानी ससुर जी हमारे आ चुके हैं, यानी पापा जी और हमारे पति जी, मतलब सभी लोग आ गए हैं, घर के जितने लोग हैं सभी लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी भी आ गई हैं, अब केक कटवाने की बारी आ गई है। तो दीदी बोली कि आराध्या तुम भी आ जाओ, मैं बोली कि मम्मी पापा कटवा लेंगे, हम क्या झूठे ही आए, तो बोली नहीं नहीं तुम भी आओ। बॉम्बे
अंगा देख चट्टी रूप धारण कर रहे हैं। अब वही तो और मम्मी हमरे दोस्तों केक कट गया और यहाँ पे देख सकते हैं बारी बारी से बच्चे को खिलाया जा रहा है। जानवी बहुत कम केक खाती हैं तो मैंने नहीं खिलाया क्योंकि वो बोलती है मम्मी मुझे क्रीम अच्छी लगती, तो इसलिए जानवी बहुत कम खाती हैं। ऐसा नहीं कि खाती ही नहीं है, खाती हैं लेकिन बहुत कम खाती हैं। अभय मेरा केक ज़्यादा खाता है, तो है तो हमारे दोनों ही बच्चे, लेकिन हाँ जिसको जो पसंद है मैं अरे जान भी मोबाइल इनको क्यों बंद करो फिर तो मोबाइल और हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ कि आप मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे रील्स अपलोड करती रहती हूँ। मेरे फेसबुक की आईडी है यूपी ब्लॉगर आराध्या और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अच्छे अच्छे रील्स अपलोड करती रहती हूँ आपकी पसंद की। इंस्टाग्राम की आईडी है यूपी ब्लॉगर आराध्या, यानी आप लोग वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ पे मैं खस्ता पूड़ी और सूखी सब्जी ली हूँ, बनी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन मैं यही खा रही हूँ। तो गाइज मैंने ड्रेस को चेंज कर लिया है और रात के बज गए हैं 11:30, अब जाके मैं भोजन कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, मैं पानी पूड़ी खा लिए थे जीजा लेके आए थे, तो अब जाके भूख लगी है तो यही मैं खा रही हूँ। तो खाने में मैंने आपको दिखा दिया ना, खस्ता है, पूड़ी है और सूखी भाजी है आलू पूड़ी की, तो वही मैं खा रही हूँ। पनीर बना था और पापड़ था, दाल चावल था और सलाद था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बूंदी थी, बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई थी लेकिन हम सिर्फ इतना ही लिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम खा लेते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आपके राज्य फिर मुलाकात करें एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।